बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं विज्ञान का पाठ नंबर 11, कार्य और ऊर्जा। आज हम इस पाठ के हम प्रश्न उत्तर देखेंगे जो एनसीईआरटी बुक के अंदर दे रखे हैं। और बच्चों, एक बात और बोलना चाहूँगा मैं आपसे, जो फिजिक्स के अंदर मतलब जो भौतिकी हम पढ़ रहे हैं, जैसे ये चैप्टर पढ़ा हमने बल वाला चैप्टर हो गया एक, ठीक है, और एक चैप्टर अभी इससे पहले हमने पढ़ा था गुरुत्वाकर्षण वगैरह हो गया है ना, और अभी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं कार्य और ऊर्जा। तो इनके अंदर जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, जैसे आप पहला प्रश्न देख भी रहे होंगे है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को न्यूमेरिकल्स कहते हैं। अगर इन क्वेश्चंस को आपने समझना है कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, यहाँ पर कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो आप कमेंट कर दीजिए। अगर 10 बच्चों ने भी वीडियो के नीचे कमेंट कर दिया तो मैं इस चीज़ के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा और उसमें आपको हर एक चैप्टर का जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको अच्छे से बारीकी से समझा दूंगा, और फिर आप वो कभी नहीं भूलेंगे। आपको इन सवालों को रटने की ज़रूरत नहीं है ना, जैसे बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं उनके हम आंसर याद कर लेते हैं ना, पर ये जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर याद नहीं किए जाते, इन क्वेश्चंस को समझा जाता है। और एक बार समझ गए तो आप फिर ज़िंदगी भर याद रहेगा, आपको फिर दोबारा इसे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ, अगर आपको ये समझने हैं क्वेश्चन इस टाइप के जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। अगर 10 बच्चों ने भी कमेंट कर दिया तो मैं डेफिनेटली इस पार्ट के और बाकी सभी पार्ट में, जिन जिन पार्टों में सभी क्वेश्चंस हैं उनके मैं न्यूमेरिकल्स आपको अच्छे से समझा दूंगा, उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, किसी वस्तु पर 7 न्यूटन का बल लगता है, मान लीजिए बल की दिशा में विस्थापन 8 मीटर है, और मान लीजिए कि वस्तु के विस्थापन के समय लगातार वस्तु पर बल लगता रहता है, इस स्थिति में किया गया कार्य क्या होगा। तो यहाँ पर एक वस्तु दे रखी है, ठीक है, और ये जो वस्तु है इस पर 7 न्यूटन का बल लग रहा है, बल लगने पर ये जो वस्तु है यहाँ से खिसक कर ये राइट में चली जाती है, ठीक है, दाईं तरफ चली जा रही है, और कितने मीटर की दूरी तय कर रही है, 8 मीटर की दूरी तय कर रही है। तो यहाँ निकालना है कितना कार्य करेगा ये, ठीक है। तो कार्य का सूत्र होता है बल गुना में विस्थापन। कार्य को इंग्लिश में वर्क बोलते हैं, इसका साइन होता है W, बल को बोलते हैं फोर्स, इसका साइन होता है F, विस्थापन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, इसका साइन होता है S। तो कार्य का सूत्र आ गया बल गुना में विस्थापन, या फिर इंग्लिश भाषा में कहा जाए तो W बराबर F गुना में S। F का मान दे रखा 7 न्यूटन, S दे रखा 8 मीटर, 7 इनका मान रखेंगे इसमें F और S का, 7 × 56, 56 न्यूटन मीटर या फिर 56 जूल आ जाएगा। तो ठीक है, तो आता है किया गया कार्य कितना गया, 56 जूल आ गया। अब चलते हैं पेज नंबर 165 पर, यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, हम कब कहते हैं कि कार्य किया गया है। विज्ञान के दृष्टिकोण से हम तब कहते हैं कि कार्य किया गया जब वस्तु पर लगने पर बल लगाने पर उसमें विस्थापन हो जाए, ठीक है। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे, जब किसी वस्तु पर लगने वाला बल इसके विस्थापन की दिशा में हो तो किए गए कार्य का व्यंजक लिखिए। यदि किसी वस्तु पर F बल लगे और उसमें बल की दिशा में विस्थापन S हो, तब कार्य W बराबर होगा बल गुना में बल की दिशा में विस्थापन, और W बराबर F गुना में S। प्रश्न संख्या 3, 1 जूल कार्य को परिभाषित कीजिए। 1 जूल किसी वस्तु पर किए गए कार्य की वह मात्रा है जब 1 न्यूटन का बल वस्तु को बल की क्रिया रेखा की दिशा में 1 मीटर विस्थापित कर दे। प्रश्न संख्या 4, बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय किसी हल पर 140 न्यूटन बल लगाती है, जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है, खेत की लंबाई को जोतने में कितना कार्य किया गया। तो दिया गया बल कितना हो गया, F बराबर 140 न्यूटन, विस्थापन मतलब S हो गया 15 मीटर। कार्य निकालना, कार्य का सूत्र होता है बल गुना में विस्थापन, या फिर अंग्रेजी भाषा में कहा जाए W बराबर F गुना में S। F का मान रखा, यहाँ पर S का मान रखा, दोनों को गुना कर दिया, आ गया 2100 न्यूटन मीटर या फिर 2100 जूल। अतः किया गया कार्य क्या आ गया, 2100 जूल आ गया। प्रश्न संख्या 169 पेज नंबर 169 पे, पहला प्रश्न है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होती है। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है, यहाँ जो आप देख रहे हो ना, ये फ्रैक लिखा हुआ है और ये ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है, कुछ यहाँ पे मिसप्रिंटिंग हो गई है, इसलिए मैं आपको इसका गतिज ऊर्जा का सूत्र बता देता हूँ। इसका होता है 1/2 m v^2, ठीक है। m का मतलब होता है वस्तु का द्रव्यमान, v का मतलब होता है वस्तु का वेग। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक लिखिए, मतलब जो वस्तु है उसकी जो गतिज ऊर्जा का सूत्र लिखना है। तो मैंने अभी बताया गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, यहाँ पर भी ये मिसप्रिंट हो गया है, तो 1/2 m v^2, ठीक है। m का मतलब होगा वस्तु का द्रव्यमान, v का मतलब वस्तु का वेग। प्रश्न संख्या 3 देखिए,
5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील किसी m द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 जूल है। यदि इसके वेग को दुगना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? यदि इसके वेग को तिगुना बढ़ा दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो दिया है वस्तु का द्रव्यमान m, ठीक है, वस्तु का वेग कितना, v बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड, गतिज ऊर्जा ई के बराबर 25 जूल, और गतिज ऊर्जा का सूत्र मैंने बताया क्या होता है, 1/2 mv² होता है। तो ई के जब हमने 25 लिख लिया, 1/2 एम, वी का मान रखा 5, इसको हल करेंगे, काटेंगे पीटेंगे तो एम का मान कितना जाएगा, 2 किलोग्राम आ जाएगा, ठीक है। पहली स्थिति में क्या बोल रखा, जब वेग को दुगना कर दिया जाए, तो वस्तु का द्रव्यमान कितना था एम, वी का मान कितना हो जाएगा, पहले तो 5 था, अब कितना हो जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो फिर निकालेंगे कितनी गतिज ऊर्जा होगी, तो सूत्र लगाएंगे गतिज ऊर्जा का, 1/2 एम, वी का मान रखेंगे 10, हल करेंगे आ जाएगा 100 जूल, ठीक है। अब स्थिति दूसरी है, यहाँ पर क्या बोला गया है, जब वेग को 3 गुना बढ़ा दिया जाए, वी का मान कितना हो जाएगा, 15 मीटर प्रति सेकंड, एम का मान हो गया 2, गतिज ऊर्जा का सूत्र लगाया 1/2 एम, वी स्क्वायर, एम का मान रखा 2, वी का मान रखा 15, कवर आ जाएगा ये, फिर हल करेंगे 225 जूल, ठीक। अब चलते हैं पेज नंबर 174 पे। पहला प्रश्न, शक्ति क्या है, पावर जिसे कहते हैं इंग्लिश में, कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति का सूत्र होता है कार्य बटा में समय, या फिर पी बराबर में वर्क अपॉन में टाइम। पी मतलब हो गया पावर, ठीक है, पी का मतलब शक्ति, डब्लू मतलब कार्य, टी का मतलब होता है समय। 1 वाट शक्ति को परिभाषित कीजिए। 1 वाट उस अभिकर्ता की शक्ति है जो 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करता है। दूसरे शब्दों में यदि ऊर्जा के उपयोग की दर 1 जूल प्रति सेकंड हो तो शक्ति 1 वाट होगी। 1 वाट बराबर होगा 1 जूल बटा में 1 सेकंड। प्रश्न नंबर 3, 1 लैंप 1000 जूल विद्युत ऊर्जा 10 सेकंड में व्यय करता है, तो बताइए इसकी कितनी शक्ति होगी। तो शक्ति का सूत्र बताया, व्यय की गई ऊर्जा बटे में लिया गया समय। ऊर्जा कितनी दे रखी है, 1000 जूल, समय दे रखा 10 सेकंड, इन दोनों का मान यहाँ रख देंगे तो 1000/10 आ जाएगा, काटेंगे तो आ जाएगा 100 जूल प्रति सेकंड। इसी को क्या बोलेंगे, शक्ति या फिर पावर बोलेंगे। औसत शक्ति को परिभाषित कीजिए। औसत शक्ति को हम कुल उपयोग की गई ऊर्जा को कुल लिए गए समय से विभाजित कर प्राप्त कर सकते हैं। औसत शक्ति का सूत्र आएगा कुल उपयोग की गई ऊर्जा बटे में लिया गया कुल समय। अब हम चलेंगे इस पाठ के जो एनसीईआरटी के जो चैप्टर के लास्ट में जो प्रश्न उत्तर दे रखे हैं ना, उनको देखते हैं, ठीक। निम्न सूचीबद्ध क्रियाकलापों को ध्यान से देखिए। अपनी कार्य शब्द की व्याख्या के आधार पर तर्क दीजिए कि इनमें कार्य हो रहा है अथवा नहीं। तो पहला प्रश्न है, सूमा एक तालाब में तैर रही है। दूसरा है, एक गधे ने अपनी पीठ पर बोझा उठा रखा है। एक पवन चक्की कुएं से पानी उठा रही है। एक हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही है। एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है। अनाज के दाने सूर्य की धूप में सूख रहे हैं। एक पाल नाव पवन ऊर्जा के कारण गतिशील है। तो पहले प्रश्न का आंसर है, कार्य हो रहा है क्योंकि यहाँ विस्थापन हो रहा है। सूमा पानी को पीछे धकेलती है तथा विस्थापन आगे होता है ना। जब हम पानी में तैरते हैं तो क्या करते हैं, हम हाथों से पानी को पीछे धकेलते हैं तो हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या कार्य हो रहा है, ठीक। दूसरा है, कार्य नहीं होता क्योंकि बोझे का विस्थापन बल की दिशा से 90 डिग्री पर होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गुरुत्वीय बल नीचे कार्य करता है तथा वस्तु के भार का विस्थापन क्षैतिज दिशा में होता है। तथा वस्तु के भार का विस्थापन क्षैतिज दिशा में होता है। प्रश्न संख्या 3 का आंसर है, कार्य हो रहा है क्योंकि यहाँ जल का विस्थापन हो रहा है, अर्थात गुरुत्वीय बल के विरुद्ध पानी ऊपर उठाया जा रहा है। प्रश्न संख्या 4 का आंसर है, इस स्थिति में कार्य नहीं हो रहा है क्योंकि बल कितना है, 0 है, विस्थापन कितना है, 0, इसलिए कार्य कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 5वें में देखते हैं, इस स्थिति में कार्य हो रहा है क्योंकि इंजन ट्रेन को खींचता है, अर्थात बल लगाता है और ट्रेन में विस्थापन होता है। लास्ट जो है इसमें प्रश्न संख्या 6 है, इसका आंसर है, कोई कार्य नहीं हो रहा है क्योंकि अनाज के दाने धूप में सुखाते समय इस पर कोई बल नहीं लगता, अर्थात ना ही विस्थापन होता है और ना ही इस पर कोई बल लग रहा है, इसलिए यहाँ पर भी कार्य कितना हो जाएगा, 0। लास्ट है इसका, इस स्थिति में कार्य हो रहा है क्योंकि पवन ऊर्जा द्वारा बल लगाने पर जो नाव है वो गतिशील रहती है, अर्थात उसका विस्थापन होता है।
अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। एक पिंड को धरती से किसी कोण पर फेंका जाता है, यह एक वक्र पथ पर चलता है और वापस धरती पर आ गिरता है। पिंड के पथ के प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु एक ही क्षैतिज रेखा पर स्थित हैं। पिंड पर गुरुत्व बल द्वारा कितना कार्य किया गया? चूंकि पिंड के पथ के प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु एक क्षैतिज रेखा पर हैं, अर्थात पिंड का विस्थापन क्षैतिज दिशा में हो रहा है, इसलिए नेट विस्थापन गुरुत्वीय बल की दिशा में ऊर्ध्वाधर नीचे नहीं हो रहा है, अतः गुरुत्वीय बल के कारण कोई कार्य नहीं हो रहा है, क्योंकि गुरुत्वीय बल की दिशा और विस्थापन के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है, अर्थात W बराबर कितना आ जाएगा? 0 जूल। एक बैटरी जलती है, इस प्रक्रम में होने वाले ऊर्जा परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। रासायनिक ऊर्जा, बैटरी के अंदर क्या केमिकल, मतलब उसमें कुछ रसायन भरे हुए हैं, तो रासायनिक ऊर्जा से क्या मिलेगी? विद्युत ऊर्जा मिलेगी। फिर उस विद्युत ऊर्जा से जब बल्ब जलेगा, तो बल्ब जलने पर उसमें क्या निकलती? गर्मी निकलती, तो उष्मीय ऊर्जा, और साथ में क्या निकलती है? उसमें प्रकाश भी तो निकलता है बल्ब में से, तो प्रकाशीय ऊर्जा। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। 20 किलोग्राम द्रव्यमान लगाने वाला कोई बल इसके वेग को 5 मीटर प्रति सेकंड से 2 मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तन कर देता है। बल द्वारा किए गए कार्य का परिकलन कीजिए। तो M का मान कितना हो गया? 20 किलोग्राम। U का मान कितना है? 5 मीटर प्रति सेकंड। V का मान हो गया 2 मीटर प्रति सेकंड। किया गया कार्य क्या आएगा? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, मतलब क्या होगा? अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। तो अंतिम गतिज ऊर्जा का सूत्र आ गया 1/2 mv² और आरंभिक का आ गया 1/2 mu². इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा? 1/2 m कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा आपके पास v² माइनस में u². यहाँ पर m का मान रखेंगे 20, v का मान रखेंगे 2, v का u का मान रखेंगे 5, 2 का वर्ग आ जाएगा 4, 5 का वर्ग आ जाएगा 25, इसे हल करेंगे आ जाएगा -210 जूल। यहाँ पर जो माइनस का चिन्ह है, जो ऋणात्मक चिन्ह है, यह दर्शाता है कि वस्तु के वेग में ह्रास हो रहा है, वस्तु का जो वेग है पहले से कम हो रहा है, अर्थात गतिज ऊर्जा में कमी हो रही है। अतः कार्य कितना आ गया? 210 जूल आ गया। प्रश्न संख्या 5। 10 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड मेज पर ए बिंदु पर रखा है, इसे बी बिंदु तक लाया जाता है। यदि ए तथा बी को मिलाने वाली रेखा क्षैतिज है, तो पिंड पर गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। कार्य W बराबर कितना हो गया? 0। चूंकि पिंड की गति क्षैतिज दिशा में हो रही है, जबकि गुरुत्व बल ऊर्ध्वाधर नीचे की दिशा में कार्य कर रहा है, अर्थात बल की दिशा तथा विस्थापन के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है, यानी विस्थापन बल की दिशा में नहीं हो रहा है, इसलिए कार्य कितना होगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप इसको यहीं तक लिख सकते हैं। इसकी दूसरी विधि भी है, पर हमें दूसरी विधि करने की जरूरत नहीं, जो मैंने ऊपर बताया यहीं तक आप लिख दीजिए, इसका आंसर यहीं तक काफ़ी है। अगला प्रश्न है, मुक्त रूप से गिरते एक पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती जाती है, क्या यह ऊर्जा संरक्षण नियम का उल्लंघन करती है? कारण बताइए। किसी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा में जितनी कमी होती है, गतिज ऊर्जा में उतनी ही वृद्धि हो जाती है। किसी ऊंचाई h पर स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है, जैसे जैसे वस्तु नीचे गिरती है इसके वेग में वृद्धि होती जाती है, और इस तरह स्थितिज ऊर्जा में कमी तथा गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। जब वस्तु पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली होती है, तब इसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम तथा स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम हो जाती है, अतः ऊर्जा नष्ट नहीं होती बल्कि परिवर्तित होती है, और प्रत्येक बिंदु पर काइनेटिक ऊर्जा, मतलब के ई का मतलब हो गया काइनेटिक, मतलब गतिज ऊर्जा प्लस पोटेंशियल एनर्जी पी ई, मतलब हो गया स्थितिज ऊर्जा, अचर ही रहता है, मतलब एक समान रहता है हर एक बिंदु पर। अतः हम कह सकते हैं कि ऊर्जा संरक्षण नियम का उल्लंघन नहीं होता है। ठीक है, ये आप चित्र देख लें, चलते हैं आगे। जब आप साइकिल चलाते हैं, तो कौन कौन से ऊर्जा रूपांतरण होते हैं? जब साइकिल सवार बल लगाता है और पैडल घुमाता है, तो इस प्रकार वह यांत्रिक कार्य कर रहा है, जिसके फलस्वरूप साइकिल के पहिए गति करने लगते हैं और यांत्रिक कार्य गतिज ऊर्जा में बदल जाता है। इस गतिज ऊर्जा का कुछ भाग सड़क के द्वारा साइकिल के टायरों पर कार्यरत घर्षण बल का सामना करने में भी व्यय होता है। घर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाता है। ठीक है, तो पहले पेशी ऊर्जा आएंगी, पेशी ऊर्जा से क्या बनेगा? यांत्रिक ऊर्जा पैडल घुमाने से, फिर पैडल घूमेगा तो साइकिल चलेगी, मतलब गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा से क्या आएंगे? ऊष्मीय ऊर्जा। ठीक है, घर्षण के कारण। चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पे। जब आप अपनी सारी शक्ति लगाकर एक बड़ी चट्टान को धकेलना चाहते हैं और उसे हिलाने में असफल हो जाते हैं, तो क्या इस अवस्था में ऊर्जा का रूपांतरण होता है? आपके द्वारा व्यय की गई ऊर्जा कहाँ चली जाती है? हाँ, ऊर्जा का रूपांतरण होता है, और ऊर्जा का स्थानांतरण होता है।
लेकिन चट्टान में विस्थापन नहीं होने के कारण कार्य शून्य हो जाता है। हमारे द्वारा व्यय की गई ऊर्जा के कारण चट्टान में थोड़ा विरूपण होता है या ऊर्जा उसे विरूपित करने का प्रयास करती है, जिससे व्यक्ति थकान महसूस करता है और अंततः ऊष्मीय ऊर्जा पसीने में रूपांतरित हो जाती है। किसी घर में एक महीने में ऊर्जा की 250 यूनिटें व्यय हुई, यह ऊर्जा जूल में कितनी होगी? बच्चों, इस मैं पहले बता चुका हूँ कि इस टाइप के जो प्रश्न अगर आपको समझने हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं प्रश्न संख्या 9 से हम हल करने वाले हैं, तो कैसे यहाँ पे सूत्र लगाया, कौन सा सूत्र लगेगा, क्यों लगेगा यह सूत्र, ठीक है, अगर आपको ये समझना है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर दीजिए, तो मैं हर एक चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको एकदम बारीकी से समझा एक अलग वीडियो बना दूंगा, उसमें आराम से आपको समझा दूंगा, फिर आप कभी भूलेंगे नहीं, इनको याद नहीं किया जाता, इनको सिर्फ समझा जाता है। एक महीने में व्यय की गई ऊर्जा बराबर 250 यूनिट, एक यूनिट कितना होता है, 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है, इसका मान होता है 3.6 × 10^6 जूल, और एक यूनिट और हमारे पास दे रखी 250 यूनिटें। एक यूनिट होता है 3.6 × 10^6 जूल, तो 250 यूनिट कितने के बराबर होगा, तो 250 को 3.6 × 10^6 जूल से गुना कर देंगे, यह आ जाएगा 9 × 10^8 जूल, ठीक है। अतः घर में एक महीने में व्यय की गई ऊर्जा कितनी है, 9 × 10^8 जूल है। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। 40 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड धरती से 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी है? यदि पिंड को मुक्त रूप से गिरने दिया जाए तो जब पिंड ठीक आधे रास्ते पर है तो उस समय इसकी गतिज ऊर्जा का परिकलन कीजिए और जी का मान रखना 10 मीटर प्रति सेकंड रखना है। पिंड का द्रव्यमान कितना होगा, एम बराबर 40, ऊंचाई कितनी होगी, एच बराबर 5, जी का मान कितना होगा, 10 मीटर प्रति सेकंड। स्थितिज ऊर्जा हमें निकालनी है, ईपी हम जानते हैं, इसका सूत्र कहता है mgh होता है, m कितना हो गया 40, g कितना हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड वर्ग, h का मान हो गया 5, गुना करेंगे जाएगा 2000 जूल आ जाएगा। अतः स्थितिज ऊर्जा कितनी आ गई, 2000 जूल आ गई, ठीक है, स्थितिज। और ये सूत्र हो गया इसका, जब पिंड ठीक आधे रास्ते पर हो तो मतलब h का मान कितना जाएगा 5/2, आ जाएगा 2.5 मीटर, u का मान रखेंगे 0, v² - u से बराबर आएगा 2gh, यहाँ पर u का मान रखेंगे 0, हल करेंगे, v² आ जाएगा 50 के बराबर। हम जानते हैं गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv², v² का मान यहाँ रख देंगे, m का मान 40, हल करेंगे जाएगा 1000 जूल आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसका एक इस क्वेश्चन को करने की एक विधि और है, लेकिन हमने ऊपर वाली विधि से कर लिया तो नीचे वाली विधि से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए किसी उपग्रह पर गुरुत्व बल द्वारा कितना कार्य किया जाएगा, अपने उत्तर को तर्कसंगत बनाइए। पृथ्वी उपग्रह पर गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा, क्योंकि उपग्रह पर कार्यरत गुरुत्व बल और विस्थापन की दिशा के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। तो W बराबर क्या होगा, F cos θ (S). cos थीटा कितना रहेगा, 90 डिग्री, cos 90 कितना होता है, 0, तो यहाँ पे वर्क मतलब जो कार्य कितना आ जाएगा, वो 0 आ जाएगा। प्रश्न संख्या 12, क्या किसी पिंड पर लगने वाले किसी भी बल की अनुपस्थिति में इसका विस्थापन हो सकता है? सोचिए इस प्रश्न के बारे में, अपने मित्रों तथा अध्यापकों से विचार विमर्श कीजिए। हाँ, बल की अनुपस्थिति में भी विस्थापन हो सकता है। यदि बाह्य बल अनुपस्थित है तब न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार जब वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगा। जब वस्तु एक समान गति से एक सीधी रेखा में गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी। अतः स्थिति में बाह्य बल की अनुपस्थिति में भी विस्थापन संभव है। कोई मनुष्य भूसे के गट्ठर को अपने सिर पर 30 मिनट तक रखे रहता है और थक जाता है, क्या उसने कुछ कार्य किया या नहीं? अपने उत्तर को तर्कसंगत बनाइए। नहीं, उस व्यक्ति द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया गया, अर्थात कार्य कितना हो गया, 0, क्योंकि वह एक ही स्थान पर खड़ा है, इसलिए विस्थापन क्या है, 0 के बराबर है। परंतु उसके पेशीय थकान के कारण उसके पेशी में खिंचाव तथा रक्त का विकृत पेशीय की और अधिक तेजी से जाना है, इस तरह के बदलाव में शारीरिक ऊर्जा व्यय होती है। प्रश्न संख्या 14, एक विद्युत हीटर की घोषित शक्ति 1500 वाट है, 10 घंटे में यह कितनी ऊर्जा उपयोग करेगा? विद्युत हीटर की शक्ति P बराबर 1500 वाट, तो इसको हम बदलेंगे पहले वाट को किलो वाट में, 1500 को 1000 से भाग कर देंगे, यह जाएगा 1.5 किलो वाट। समय दे रखा 10 घंटे, उपयोग की गई ऊर्जा का सूत्र है निकालने का, शक्ति गुना में लिया गया समय, शक्ति कितनी है 1.5 किलो वाट, समय कितना है 10, 1.5 को 10 से गुना करेंगे जाएगा 15 किलो वाट आवर,
और एक किलोवाट आवर होता है, KWH को बोलते हैं किलोवाट आवर, और एक किलोवाट आवर होता है यूनिट के बराबर, तो हमने यहाँ लिख दिया 15 यूनिट। अर्थात 10 घंटे में उपयोग की गई ऊर्जा क्या है, 15 किलोवाट आवर है या फिर 15 यूनिट है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 15 पर। जब हम किसी सरल लोलक के गोलक को एक और ले जाकर छोड़ते हैं या दोलन करने लगता है, तो यह दोलन करने लगता है, इसमें होने वाले ऊर्जा परिवर्तनों की चर्चा करते हुए ऊर्जा संरक्षण के नियम को स्पष्ट कीजिए। गोलक कुछ समय पश्चात विराम अवस्था में क्यों आ जाता है? अंततः इसकी ऊर्जा का क्या होता है? क्या यह ऊर्जा संरक्षण का उल्लंघन है? प्रारंभ में सरल लोलक विराम अवस्था में होता है। इस स्थिति में लोलक की स्थिति ए होती है, यह मध्य स्थिति कहलाता है। जब इसे स्थिति बी तक धकेला जाता है या फिर छोड़ दिया जाता है, तब निम्न स्थितियां होती हैं। जब लोलक का गोलक स्थिति बी पर होता है, उसमें केवल स्थितिज ऊर्जा होती है। सेकंड पॉइंट, जैसे ही गोलक स्थिति बी से स्थिति ए तक गति करना आरंभ करता है, उसकी स्थितिज ऊर्जा घटती जाती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। थर्ड पॉइंट है, जब गोलक मध्य स्थिति ए पर पहुंचता है, तो उसमें केवल गतिज ऊर्जा होती है। चौथा पॉइंट, ठीक इसके विपरीत, जैसे ही गोलक स्थिति ए से स्थिति सी की ओर जाता है, उसकी गतिज ऊर्जा घटने लगती है, परंतु उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ने लगती है। चरम स्थिति सी पर पहुंचकर गोलक अत्यंत कम समय के लिए रुकता है, इसलिए स्थिति सी पर गोलक में केवल स्थितिज ऊर्जा होती है। इससे हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि चरम स्थिति बी और सी पर लोलक के गोलक की कुल ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में ही होती है, जबकि मध्य स्थिति ए पर लोलक के गोलक की संपूर्ण ऊर्जा गतिज ऊर्जा होती है। अन्य सभी माध्यमिक स्थितियों पर सरल लोलक के गोलक की ऊर्जा आंशिक स्थितिज ऊर्जा और आंशिकतः गतिज ऊर्जा होती है, परंतु किसी भी समय पर दोलन करते हुए लोलक की कुल ऊर्जा वही रहती है, अर्थात गतिज ऊर्जा जमा स्थितिज ऊर्जा बराबर अचर रहती है। अंततः घर्षण बल और वायु के प्रति अवरोध के कारण सरल लोलक का गोलक विराम अवस्था में आ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वायु के प्रतिरोध का सामना करने में ऊर्जा व्यय होती है तथा ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाता है। स्पष्टतः इस स्थिति में भी ऊर्जा संरक्षण का नियम का उल्लंघन नहीं होता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 16 पे। एम द्रव्यमान का एक पिंड का एक नियत वेग से गतिशील है, पिंड पर कितना कार्य करना चाहिए कि यह विराम अवस्था में आ जाए? तो द्रव्यमान कितना, द्रव्यमान हो गया m, पिंड का नियत वेग कितना v है, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है, यहाँ पे सूत्र जो है वो गलत लिखा हुआ है, ठीक है। इसका सूत्र होता है 1/2 mv2, ठीक। स्पष्टतः पिंड को विराम अवस्था में लाने के लिए इसकी गतिज ऊर्जा जो है वो इसकी गतिज ऊर्जा से कम होना चाहिए, ठीक है। तो पिंड को विराम अवस्था में लाने के लिए कार्य कितना करना पड़ेगा, जितनी इसकी गतिज ऊर्जा है उतना ही इसमें कार्य करना पड़ेगा इसको रोकने के लिए। तो बस यहाँ पे फर्क ये आएगा, हम यहाँ पर साइन लगा देंगे कि पिंड को विराम अवस्था में लाने के लिए किया गया कार्य कितना होगा, W = -EK। माइनस क्योंकि जितनी उसकी गतिज ऊर्जा है उसको हमने खत्म करना है, तो उसके माइनस लगा देंगे तो वो वाली जो ऊर्जा वो खत्म हो जाएगी, तो -1/2 mv² आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। प्रश्न संख्या 17। 1500 किलोग्राम द्रव्यमान की कार जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चल रही है, रोकने के लिए किए गए कार्य का परिकलन कीजिए। कार्य का द्रव्यमान कितना हो गया 1500 किलोग्राम, कार का प्रारंभिक वेग कितना है u = 60 किलोमीटर प्रति सेकंड, इसको हम बदलें 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, इसको बदलें हम सेकंड में, तो आ जाएगा 60 को 1000 से गुना करेंगे और नीचे 60 गुना 60 कर देंगे, ठीक है, भाग कर देंगे 3600 से, तो 50/3 m/s आ जाएगा। कार का अंतिम वेग v0 हो गया। कार को विराम अवस्था में लाना है, तो कार्य को रोकने के लिए किया गया कार्य कितना होगा, कार्य की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। इसका सूत्र होता है W = 1/2 m(v²-u²). m का मान रखेंगे 1500, v का मान 0, u का मान 50/3, हल करेंगे आ जाएगा -208.333 जूल। अतः कार को रोकने के लिए किया गया कार्य इतना होगा। प्रश्न संख्या 18। निम्न में से प्रत्येक स्थिति में द्रव्यमान के एक पिंड पर एक F बल लग रहा है, विस्थापन की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर है, जो लंबे तीर से प्रदर्शित की गई है। चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए और बताइए कि किया गया कार्य ऋणात्मक है, धनात्मक है या शून्य है।
तो पहला जो चित्र है ए, उसका आंसर है शून्य, क्योंकि बल की दिशा और विस्थापन की दिशा के बीच 90 डिग्री का कोण होता है, ए एक दूसरे के लंबवत हैं। दूसरी स्थिति बी में इसका आंसर होगा धनात्मक, क्योंकि विस्थापन और बल की दिशा, विस्थापन बल की दिशा में हो रहा है। सी जो है तीसरा चित्र है, इसका आंसर होगा ऋणात्मक, क्योंकि विस्थापन की दिशा बल की दिशा के विपरीत दिशा में हो रहा है। प्रश्न संख्या 19। सोनी कहती है कि किसी वस्तु पर त्वरण शून्य हो सकता है चाहे उस पर कोई बल कार्य कर रहे हों, क्या आप उससे सहमत हैं, बताइए क्यों। हम सोनी के इस कथन से सहमत हैं। यदि किसी वस्तु पर अनेक बल कार्य कर रहे हैं, उनका परिणामी बल अर्थात नेट बल शून्य हो तो वस्तु का त्वरण भी शून्य होगा। चार युक्तियाँ, युक्ति मतलब मशीनें होती हैं जिनकी प्रत्येक की शक्ति 500 वाट है, 10 घंटे तक उपयोग में लाई जाती हैं। इनके द्वारा व्यय की गई ऊर्जा को किलो वाट आवर में परिकलित कीजिए। एक युक्ति की शक्ति P बराबर 500 वाट, इसको बदलेंगे पहले किलो वाट में, 1000 से भाग कर देंगे, 0.5 किलो वाट आ जाएगा। समय कितना है 10 घंटे, तो एक युक्ति तो ले रही है 0.5 किलो वाट, चार युक्ति है तो 400 गुना कर देंगे इसको, ठीक है। तो चार युक्तियों द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा, आ जाएगा 4 गुना में 5, ठीक है। पहले 0.5 को 10 से गुना करेंगे, आ जाएगा 5 किलो वाट आवर, ठीक है। फिर चार युक्तियाँ हैं, एक का आ गया 5 किलो वाट आवर, तो चार कितना जाएगा, 4 को 5 से गुना करेंगे, जाएगा 20 किलो वाट आवर आ जाएगा। प्रश्न संख्या 20। मुक्त रूप से गिरता एक पिंड अंततः धरती तक पहुंचने पर रुक जाता है, इसकी गतिज ऊर्जा का क्या होता है। मुक्त रूप से गिरता पिंड अंततः धरती पर पहुंचने पर रुक जाता है, इसकी गतिज ऊर्जा निम्न में बदल जाती है। कुछ गतिज ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में, कुछ गतिज ऊर्जा घर्षण बल के विरुद्ध किए गए कार्य के कारण उष्मीय ऊर्जा में, तथा कुछ गतिज ऊर्जा उसके विन्यास में परिवर्तन लाकर स्थितिज ऊर्जा में के रूप में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। बच्चों अगर आपको इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो सवाल हैं, वो समझने हैं, तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए। अगर 10 बच्चों ने भी कमेंट कर दिया तो मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको जो जितने भी इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हैं वो अच्छे से समझा दूंगा, क्योंकि जो न्यूमेरिकल बेटा समझे जाते हैं, याद कभी नहीं किए जाते, ना ही कभी याद हो सकते हैं, ठीक है, समझ रहे बात को। तो मैं आपको एकदम अच्छे से समझा दूंगा, फिर आप कभी नहीं भूलेंगे इनको, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को भी मेरे चैनल के बारे में बताइए।